नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव की जो सीटें हैं उस पर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिसने लोकसभा चुनाव में बड़ी पार्टियों से गठबंधन तोड़ने के बाद कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़ी होते हुए नजर आ रही है और लगातार उन बड़ी पार्टियों की तरफ देखते हुए नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में उनका गठबंधन हो जाए। क्या मायावती वो गठबंधन के लिए सही विकल्प है या चंद्रशेखर आजाद रावण वो सही विकल्प है? जी हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल को लेकर। जी हाँ, पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य को लोकसभा में बड़ा झटका लगा था। अब ऐसे में माना जा रहा है कि किसी एक बड़ी पार्टी का दामन थाम कर ये सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें क्या सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चाहे मायावती हो चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण हो, दोनों ही नेताओं के जो रिश्ते हैं दोनों पार्टियों के साथ बेहतर है। अब ऐसे में पल्लवी पटेल स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों ही मायावती का रुख करना चाहते थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक ऐलान कर दिया था कि वो मायावती के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक से वो गठबंधन नहीं होता है और वो कुशीनगर सीट पर जाकर नामांकन दाखिल कर देते हैं। हालांकि नामांकन दाखिल कर देते हैं वहां पल्लवी पटेल का सपोर्ट मिलता है, चंद्रशेखर आजाद रावण का सपोर्ट मिलता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो 35,000 वोटों पर सिमट कर रह जाते हैं। वैसे भी जो समीकरण उत्तर प्रदेश के बनते हुए नजर आ रहे हैं उसमें ये माना जा रहा है कि अब उसमें अहम भूमिका जो निभा सकती हैं पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य निभा सकते हैं। अगर वो चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ जाते हुए नजर आते हैं, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में मिल जाती है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इनकी भी नैया पार लगती हुई नजर आएगी। हालांकि 22 प्रत्याशियों को मैदान में पल्लवी पटेल ने उतारा था, लेकिन उसका कोई खास फायदा उनको देखने को नहीं मिला और यही कारण है कि अब पल्लवी पटेल किसी बड़ी पार्टी का रुख करना चाहती हैं। वो पार्टी कौन सी होगी कहीं ना कहीं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन उसके साथ ही जो समीकरण अभी बन रहे हैं चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं या पल्लवी पटेल के हैं, कहीं ना कहीं ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं इनको साधने का प्रयास कर रही हैं। संगमित्रा मौर्य को भी लेकर खबरें आ रही थी कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी तो किसी और पार्टी का रुख कर सकती है। हालांकि अखिलेश यादव संगमित्रा मौर्य को पहले साथ पाते, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर ली। उन्होंने संगमित्रा मौर्य का जो नाम है इस बार के विधानसभा उपचुनाव में आगे करने के लिए कहा था जरूर, लेकिन अब ऐसे में कौन सी सीट उनको मिलती है और कौन सी नहीं कहीं ना कहीं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो समीकरण उत्तर प्रदेश के बन रहे हैं इस बार माना यह जा रहा है कि चाहे मिल्कीपुर कटहरी सीट हो वो योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद अहम है। अगर इन सीटों पर योगी आदित्यनाथ अपना दबदबा नहीं कायम कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान है उनको देखने को मिल सकता है। वहीं पल्लवी पटेल स्वामी प्रसाद मौर्य आखिरकार किसकी पार्टी में जाएंगे और किसकी पार्टी को फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे, और ये दोनों अगर जाते हैं तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ा जो झटका लगेगा वह अखिलेश यादव को लगने वाला है। अब ऐसे में अखिलेश यादव किस तरीके से ऑफर देंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद उनको किस तरीके का पद देते हुए नजर आएंगे कहीं ना कहीं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज।